यस स्टार्ट करते हैं NDA-1 2016 पेपर का सॉल्यूशन। 2016 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही काफ़ी लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, और ये दोनों पेपर के सॉल्यूशन आप चाह भी रहे थे। अभी मैंने आपके साथ 2018 पेपर का सॉल्यूशन शेयर किया और आपने देखा कि किस तरह से हम 60, 70, 80 क्वेश्चन तक रीच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 120 क्वेश्चन में से हम हर क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट ये कि 120 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन जरूर करें जो फेवरेबल है, जो सिंपल है, जो कम से कम टाइम ले रहा है। तो इस क्लास का मेन पर्पस भी यही है कि मैं आपसे चाहता हूं कि सबसे पहले, जैसे ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं ये टफेस्ट पेपर है, पर इस टफेस्ट पेपर से भी हम 50-60 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम टाइम में, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ पेपर को सॉल्व करें, और बल्कि पहले से सॉल्व करके रखे होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी पेपर में स्पेशली फॉर NDA जो मैंने आपके साथ 2018 भी किया था, कि आपको 120 क्वेश्चन तक पहले पूरा रीड भी करना है, और सिंपल क्वेश्चन किसी भी कारण से ना छूट पाए, क्योंकि इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टाइम ले सकते थे, इतना टाइम ले सकते थे कि अगर आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो हो सकता है आप 30-40 ही कर पाए। इनफैक्ट जिस समय पेपर हुआ था उस समय जिन बच्चों का स्कोर 100 के आसपास था वो भी कट ऑफ को क्रॉस कर गए थे, यानी आप 35 पे भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ पहले 50-60 क्वेश्चन, जिनसे कि आप समझ में आए, और इन पेपर्स के सॉल्यूशन का एक ही पर्पज़ है, फाउंडेशन आपने पढ़ा है, अब उस कोर्स से हम क्वेश्चन की टेक्निक्स को समझें, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना चाहिए वो समझें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को किस ढंग से याद रखें वो समझें, जिन क्वेश्चन को पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चन को आप छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं तो अच्छा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे बिल्कुल पहले वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनमें कि सबसे कम टाइम लगेगा, वो हो सकता है क्वेश्चन 1 हो सकता है, क्वेश्चन 10 हो सकता है, क्वेश्चन 120 हो। फिर पहले अब पहला काम करना हमें स्कैनिंग के साथ साथ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो कि सिंपल होते हैं, और मैंने आपसे बोला कि आप अपने फेवरेट टॉपिक्स को भी देख लें, हो सकता है सबका फेवरेट टॉपिक अलग अलग होता है। अगर आपका कैलकुलस पे कमांड है तो आप कैलकुलस के क्वेश्चन के साथ स्कैनिंग करें, ट्रिग्नोमेट्री का पे कमांड है तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ स्कैनिंग करें, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पे कमांड है तो मैट्रिसेस के साथ स्कैनिंग करें। ये एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देखें तो 1 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। सपोज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है। सपोज पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, पी और क्यू कॉम्प्लेक्स प्लेन पर पॉइंट हैं, तो आपसे बोला गया है प्लेन डिफाइंड बाय ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओ इज ओरिजन देन। अब ये आपको पता है कि ये अरेंज प्लेन पे होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पी क्यू, तो इनके बीच का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा इसको याद रखना चाहिए, नहीं तो आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच का एंगल भी निकाल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम आते हैं तो रिलेशन पे बेस्ड है, टाइम लग सकता है, लिव दिस क्वेश्चन। और जो मैंने आपको पढ़ाया, जो कंसेप्ट आपको समझाए, बेस प्रिपरेशन करवाइए, आप देखेंगे उसी के बेस पे मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, और वही एक चीज़ है जिसको आपको एक्चुअल में डेवलप करना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन 3 देखें हम, तो 3 है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग पेपर साथ में रखिएगा। मॉड 4 मॉड पी लेस देन इक्वल टू 4 मॉड पी ग्रेटर देन 4 और इस तरह के आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बेसिक बात याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब चीज़ें बताई हुई हैं, बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होता इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ या ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, उनमें मैंने देखा कि जो बेसिक क्लियर नहीं थे वो धीरे धीरे क्लियर कर लिए तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है। आप देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है इज मीन्स कि उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 होगा। ऑलवेज जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओवरऑल रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 लेस देन 0, ऐसा भी बोल सकते हैं पी स्क्वायर लेस देन 16। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, माइनस 4 से प्लस 4 भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो मॉड पी लेस देन 4, तो दिस इज द राइट आंसर। यानी आपको पहले वो क्वेश्चन देखने हैं जिन क्वेश्चंस पे आप इजीली, जैसे मैंने बोला ना कि आप अगर इस पेपर में 40 राइट कराए तो आप 100% श्योर हो, मैं आपको पहले 60 तक रीच करवाना है। वो एक चीज अगर आपने समझ ली, ये जो लास्ट टाइम में जो मैं आपके साथ पेपर सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहा हूँ उसका मेन पर्पस यही कि जब आप फाइनल पेपर देने जाएं तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम अलग हो कि हमें हर क्वेश्चन नहीं करना, हमें टफ क्वेश्चन नहीं करना, हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना और वो क्वेश्चन करने जिनसे हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा पाए, राइट।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखें हम तो फोर्थ में हमें एक चीज समझ में आएगी। जेड इक्वल टू गिवन है, स्टेप सेविंग सबसे अच्छी ट्रिक्स होती है, वो भी समझाऊंगा। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 1/√2। वैसे तो मुझे लगता है मैं एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूं, पर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर सॉल्व कर रहा हूं इसलिए वही करूंगा जो सबसे सिंपल है। -25 वेयर आयोटा इज दिस, देन द फंडामेंटल एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट होता है, जेड माइनस रूट टू अपॉन जेड माइनस आयोटा रूट टू, राइट। इसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है, मतलब आर्गुमेंट बताना है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन ऐसा है, एक चलता रहे थे 1 - iota/√2 to the power 25। अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स का बेसिक डीमार्गन्स लॉ लगा लें तो अच्छा होगा, पर इसके लिए पहले इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है, मेंटली करना है, तो ये हो जाएगा √2 cos π/4 - iota sin π/4। क्यों? क्योंकि जब थीटा लिखेंगे, मैंने आपको सब समझाया, ये इसका क्विक रिविजन क्लास जो है वो जरूर देख लें, और जो आपके साथ क्विक रिविजन क्लास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वो आपके लिए बहुत यूजफुल है वो देख लीजिएगा। तो टेन वर्स माइनस वन पर क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -π/4। तो जब हम एक्स प्लस आयोटा वाई को ये लिखते हैं आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो याद रखें थीटा किस क्वाड्रेंट में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर इसमें पावर हम एन लें तो ये होगा आर पावर एन, दिमागन से लगाएं तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो बेसिकली अगर मैं स्टेप बचाना चाहूँ तो मुझे ये स्टेप नहीं लिखनी चाहिए, कौन सी, रूट टू तो आएगा नहीं क्योंकि ये 1/√2 है, ये केवल 1 - iota का था, √2 से √2 कैंसिल, तो लॉजिकली cos π/4 - iota sin π/4, ये -25 है। अब डीमार्गन्स लॉ लगाया, cos - थीटा प्लस, ये -, ये भी प्लस। अब देखिए इसके बाद ये स्टेप भी आप कोशिश करिए कि ना लिखें। इस पेपर में एक ही चीज़ थी कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर काफ़ी बड़ा था, इसको लिख सकते हो कॉस डायरेक्ट लिखना 6π + π/4 प्लस आयोटा साइन 6π+। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप लिखिए, आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1/√2 + iota/√2, यानी इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखी जा सकती है। अब समझिए आपको जेड ऐसा मिल गया 1 + iota/√2, ये जो है वो ऑब्जेक्ट फंक्शन में रख दीजिए। ऑब्जेक्ट फंक्शन मतलब जिसका आपको एम्पलीट्यूड बताना है, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, z - √2 / z - iota√2। तो जब मैं यहाँ पर ये पुट करूँगा तो देखिए क्या होगा, जैसे ही पुट किया तो एलसीएम आएगा √2, तो आपको पहले स्टेप में ये लिखना चाहिए 1 - iota - 2 / 1 - iota। अब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी -2 iota, यानी बेसिकली मुझे मिला -1 + iota / 1 - iota, राइट, -1 + iota / 1 - iota। अब इसको केवल आप रैशलाइज कर देंगे तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 + iota - iota - iota² कितना, -1 / 1 + 1। देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये मिला -1। अब ये -1 मिला, याद रखिए आर्गुमेंट हो गया पाई। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल नंबर हो तो इसका आर्गुमेंट होता है 0, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर हो तो आर्गुमेंट होता है पाई, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, ये क्विक रिवीजन में सब चीज़ें बताई थी, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तो होता है π/2 आर्गुमेंट, और प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर हो तो -π/2, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अगर हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखें तो समझ में क्या आता है, जरा समझें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है f1x और f2x, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लंबा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को अगर बाद में करते तो अच्छा होता, फिर भी क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं है आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स में f(x1 - f(x2) = ऐसा गिवन है f(x1 - x2) / 1 - x1 - x2 फॉर x1, x2 बिलोंग टू -1 to 1, देन fx पूछा है, जैसे इसके ऑप्शन इस तरह के दिए हैं कुछ ln 1 - x / 1 + x ln 2 + x / 1 - x या tan inverse 1 - x / 1 + x या tan inverse 1 + x / 1 - x,
अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपली कि आपको जैसे मान लीजिए ये वाला कंसेप्ट में लेता तो F1 माइनस F2 का मतलब ये होता है लॉजिकली ln 1 माइनस X1 अपॉन 1 प्लस X1 अपॉन M/N लग जाता, जितनी स्टेप कम कर सकते हो करिए, तो अपॉन में क्या आ जाता 1 प्लस X2 अपॉन 1 माइनस X2। मतलब बेसिकली ये सॉल्व होके कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता 1 माइनस X1 प्लस X2 माइनस X1 X2 अपॉन 1 प्लस X1 माइनस X2 माइनस X1 X2, राइट, ये मिलता। अब ऐसे ही इस रिजल्ट पे अगर ये करेक्ट होगा तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि इन क्वेश्चंस को अगर आप बाद में करते तो अच्छा होता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे आपका टाइम बढ़ सकता था, कहाँ पर आपका टाइम सेव हो सकता था। अब यहाँ पर अगर मैं रखूँ यही चीज़ तो मैं कुछ ऐसा लिखता लॉग 1 माइनस X1 माइनस X2 अपॉन 1 माइनस X1 X2 अपॉन 1 प्लस X1 माइनस X2 अपॉन, यही होना चाहिए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और आपको एक तरह से ऐसा मिलेगा 1 माइनस X1 X2 माइनस X1 प्लस X2, ऊपर यही है नीचे ही कैंसिल, 1 माइनस X1 X2 प्लस X1 माइनस X2, देखिए राइट, देन दिस इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था बट स्टेप्स लग गई, तो आपको जो समझना है, जो इंपॉर्टेंट बात है जिस वजह से मैं सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका मेन पर्पज़ ये है कि आप कैसे टफ से टफ पेपर में भी 50 प्लस क्वेश्चन करें और इजिएस्ट पेपर में आप 80 प्लस क्वेश्चन कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझें तो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है वॉट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आप इसे x के टर्म में भी बना के कर सकते हैं, बाकी ये याद रखिएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन ऑलवेज न्यूमरेटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसकी रेंज देखिए 0 रखने पे 0 मिलेगी, तो 0 टू बस 1 तक जा सकते हो आप, 1 नहीं मिलेगा, राइट। तो 0 टू क्या लिखा आपने, 0 टू 1। बाकी आप इसको x के टर्म में बनाते तो ऐसा लिखते y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, या एक्स इक्वल टू रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब आपको मैंने बताया था जो इसकी रेंज होती है वो एक्चुअल क्वेश्चन की डोमेन। अब आपको पता है वाई अपॉन 1 माइनस वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इक्वेट करो, एक 0 मिल गया एक 1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, बट यहाँ पर 1 माइनस वाई है तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा इनइक्वलिटीज में। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं जो आपको पेपर सॉल्यूशन भी देता हूँ, ये मानते हो कि जो फाउंडेशन मैंने पढ़ाया अगर आपने उसको अच्छे से तैयार किया उसके बेस पे, ये मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं आपके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखिए इसको वाई माइनस वन बनाना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस वाई, एक्स का कोई भी टर्म इनइक्वलिटी में या वाई का निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आपको निगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, नीचे 1 रख नहीं सकते, तो क्या आ गया देखिए 0 टू 1। बट आपको रेंज जिस तरीके से मैंने पढ़ाई थी उसमें एक बात बोली थी, रेंज निकालने का कोई यूनिक मेथड नहीं होता, गो फॉर ऑप्शन गो फॉर लॉजिक। तो लॉजिक से भी हम बता सकते हैं कि 0 रखने पे 0 मिलेगा, बाकी कुछ भी रखो कोई भी नंबर रखोगे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 नॉट पॉसिबल, और 1 से ऊपर हो नहीं सकती, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो क्या समझ में आता है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन 7 में बोला गया है अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट एक्स एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू। एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को पी पर और वाई एक्सिस को क्यू पर इंटरसेक्ट करती है रिस्पेक्टिवली। 3, 5 इज अ मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू, देन वॉट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये इसके मिड पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे मीट करती है तो 6, 0 होगा, ये वाई एक्सिस पे मीट करती है 0, 10 होगा। कैसे, लॉजिकली आप पहले ऐसा लिखते हैं ए 0, फिर लिखते हैं 0 बी, आपको पता है कि 0 प्लस दिस अपॉन 2 इक्वल टू दिस, तो अब यहाँ 0 ही है तो इसका डबल ही होना चाहिए और इसका डबल यहाँ होना चाहिए, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये लेंथ 6 हो गई और ये लेंथ कितनी हो गई 10, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 1/2 6 × 10, देन 30 इज अ राइट आंसर। यानी आप देखिए क्वेश्चन कैसे, अभी जबकि मैंने आपको बताऊं अभी तो मैंने क्वेश्चन स्कैप ही नहीं किए,
आप देखिए लाइन से बनते जा रहे हैं, तो अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई की है, फंडामेंटल तरीके से की है, बहुत अच्छे से की है, तो आपको कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे पेपर ना बने, फिर आप चाहे एनडीए नहीं आईआईटी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, 9th 10th 11th तीन क्वेश्चन रिलेटेड हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अक्सर इन क्वेश्चन में आप जरूर देख लें, क्योंकि नॉर्मली अगर एक क्वेश्चन हुआ तो बाकी सारे भी बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। अब देखिए 9th 10th 11th को अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 9th में है इस तरह का क्वेश्चन, जेई में भी आया था, 4 times of sin square theta plus cos power 4 theta। पहला बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा, मैक्स पूछा है। फिर पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा, ठीक है मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। और थर्ड बोला है, तीसरा क्वेश्चन क्या है वो बताता हूँ, पर पहले क्योंकि फर्स्ट सेकंड से दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिए, एक साइन है एक कॉस है, पावर अलग है और आगे 4 का मल्टीप्लाई भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बताता हूँ। पहले तो आप सुनिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस, ये स्टेप नहीं लिखनी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको याद भी होगा फाउंडेशन कोर्स में ऐसे डायरेक्ट पहले करता हूँ, फिर ये पहली स्टेप ये होना चाहिए थी आपकी, 1 माइनस cos² थीटा, और ये मिलेगा 1 माइनस cos² थीटा दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, देन 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, ये सब काम मेंटली करना है। तो ये हुआ 1 माइनस cos² थीटा, ये आ गया 4, भारी रहने दो, 1 माइनस cos² थीटा into sin² थीटा, या ऐसा भी बोल सकते हो 4 माइनस sin² 2 थीटा, राइट। 4 माइनस, आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 sin θ cos θ² है यहाँ पर, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 sin θ cos θ² देन दिस इज sin 2 थीटा। अब इसकी अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी, जैसे इसकी मैक्सिमम बोलिए, अब sin² 2 थीटा है या sin² थीटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। तो जब ये ठीक 0 होगा तो मैक्स मिलेगा 4, जब ये ठीक 1 होगा तो मिनिमम मिलेगा 3, यानी एक तरह से इसकी जो रेंज है वो हो गई 3 to 4, राइट। इसकी रेंज हो गई 3 to 4। तो जब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आप बोलेंगे 4, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आप बोलेंगे 3। अब क्वेश्चन नंबर 11 को जरा हम देखें और समझें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एफ थीटा इक्वल टू 2 हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी में बोला है, बी में एफ थीटा इक्वल टू 7/2 हैज सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन। अब आप मुझे एक बार बताइए कि 3 से 4 है तो 2 तो 3 से छोटा होता है, तो 2 हैज नो सॉल्यूशन सही है स्टेटमेंट, 7/2 3.5 इसके बीच में आता है, ये सॉल्यूशन है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर राइट। तो एक क्वेश्चन के कंसेप्ट से देखिए आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए। और मैं फिर बोलूंगा कि एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस स्पेशली डिफरेंशिएशन, मैट्राइसेस, डिटरमिनेंट, ये एक ऐसे टॉपिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, जिससे आप मोर देन 30 क्वेश्चंस के आसपास कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक के दम पे भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, और अगले क्वेश्चन को हम समझें तो ये 2 क्वेश्चंस क्या क्या रिलेटेड हैं वो समझते हैं। नंबर 1 कि आपसे यहां पर मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन वाले क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, पेपर में जो क्वेश्चन लिखा है पहली स्टेप आपकी जो होना चाहिए वो बता देता हूं कि क्वेश्चन कुछ इस ढंग से लिखा है, x mod x minus 1 एंड gx इक्वल टू ऐसा दिया है 3x/2 x > 0 2x x < 0। करने का तरीका सब कुछ डिपेंड करता है। मैंने फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी की जो क्विक रिवीजन क्लास ली है वो भी जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प करेगी। लास्ट टाइम में जो कुछ मैं आपके साथ कर रहा हूँ अगर आपने इसको भी अच्छे से कर लिया तो आप आराम से 40-50 स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले याद रखिए fx ऐसा है, पहली स्टेप ये होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में लिखा दिख रहा है x² - 1 x > 0 -x - 1 x < 0, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो पे नेगेटिव होती है और ये एक्स स्क्वायर होगा, और ग्रेटर देन जीरो पे, अब यहाँ पर आए हम जरा जी एक्स पर, तो जी एक्स ही है, ऐसा जी एक्स लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी कॉपी में या आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। अब इसका क्वेश्चन जो 1 है वो समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 बोला है
वेयर डू द कर्व इंटरसेक्ट, कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एफ एक्स और जी एक्स, ये एक लीनियर फंक्शन है, ये एक स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर हम समझें ऐसा ही एक्चुअल में, राइट तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस तरह का कर्व है कि ये माइनस वन यहाँ ऐसा कोई कर्व जा रहा होगा लाइक दिस। अभी आपको उसमें नहीं उलझना, ये वाई इक्वल टू एक्स थ्री वाई ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं ये पूछा है इस तरह का। अब समझिए जरा, जैसे इसको हम ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं, एट टू थ्री ओनली बी दिया है, एट माइनस वन माइनस टू ओनली और सी दिया है एट टू कॉमा थ्री एंड माइनस वन कॉमा माइनस टू और डी दिया है नाइदर। अब जैसे टू और थ्री देखें हम, तो याद रखो टू और थ्री जीरो से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन में रख के देख लो, तो आपने जैसे ही टू रखा, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन थ्री, एफ एक्स मतलब वाई होता है, ये वाई है तो बिल्कुल ठीक है यानी, और इसमें रख के देखो टू, टू से टू कैंसिल थ्री, यानी ये पॉइंट सही है। अब बी पे आओ, माइनस वन माइनस टू, अब माइनस वन कहाँ रखेंगे हम, बस यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब बात माइनस वन की आएगी याद रखना कर्व वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, ये भी लाइन अलग हो गई, वाई इक्वल टू टू एक्स वाली लाइन हो गई। तो अब आपको ये समझना है कि जैसे ही माइनस वन आया तो यहाँ मत रख देना, यहाँ रखना, तो माइनस वन यहाँ रखा तो मिला माइनस टू, माइनस वन यहाँ रखा तो माइनस टू, ये भी कर रहा है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन था वो था एट टू कॉमा थ्री एंड माइनस वन कॉमा माइनस टू, दिस इज द राइट आंसर, राइट दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर बोला है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अब इसी कर्व का एरिया क्या होगा, तो अब इस कर्व का एरिया, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं सजेशन दूंगा इसमें ना उलझें आप, क्यों, क्योंकि आपको इसके ग्राफ से फिर बताना रहेगा एरिया। तो कई बार रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए तो ऐसे आप स्केप करने की आदत डालें, जब तक ये आदत नहीं डालेंगे आप समझ लीजिए आपके स्कोर्स नहीं बढ़ सकते। देखो जो आप बात पूछ रहे हो ना, ये पॉइंट कैसे बताए, समझो पहले इसको ग्राफ से, इसका इवन एरिया का भी टाइम नहीं लगेगा, मैं एरिया भी आपको बताऊंगा, पर मैं आपसे चाहूंगा कि अगर ऐसे आप उलझते हैं तो उस समय छोड़ दें। सबसे पहले समझो कि ये दो अलग अलग तरह के कर्व हैं, ये है पैराबोलिक कर्व, ये है पैराबोलिक कर्व, ये है स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, राइट। अब जब मैंने यहाँ लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करना है मुझे, मान लो मैं बोलूँ टू पुट करो, तो इसमें पुट करेंगे कि इसमें, पहले बताइए, फोर पुट करना है, माइनस फाइव नीचे, सिक्स टेन माइनस सिक्स इसमें, राइट पहले समझ में आ गया। तो मुझे जो ऑप्शन दिए थे, जैसे वो दिए थे ऑप्शन क्या क्या, कि टू थ्री ऑप्शन दिया जैसे, तो उठा दे टू थ्री, मान लो मैंने ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले में रखा, तो टू रखा मैंने एक्स का वैल्यू फोर, तो फोर माइनस वन थ्री, वाई की वैल्यू थ्री है, ठीक है, यहाँ पर भी आए एक्स के लिए टू रखा, टू से टू कैंसिल वाई के, तो ये सही हो रहा है। अब अगला एक और आंसर दिया, माइनस वन माइनस टू भी दिया एक ऑप्शन, और फिर सी दिया इनका कॉम्बिनेशन। अब मैंने माइनस वन रखा तो कहाँ रखूँगा, इसमें माइनस वन रखो, यहाँ माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो गया तो ओवरऑल माइनस टू, यहाँ माइनस वन रखो, क्लियर। और लॉजिकली ये दोनों पैराबोलिक कर्व हैं, ये जीरो के बाद डिफाइंड हो रहा है, अच्छा इसका वर्टेक्स माइनस वन पे, तो कुछ इस तरह का कर्व होगा पर जीरो के बाद है, तो ऐसा मान लो ये जीरो के नीचे है तो डाउनवर्ड होगा कुछ, है ना, ये जीरो के बाद से ये ऐसा कर्व है, तो इसको ऐसा सोचो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलो इसको इधर लाए माइनस वाई माइनस वन, यस और नो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूं तो वाई प्लस वन, तो ये कुछ इस टाइप का कर्व होगा, ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पर इसका वर्टेक्स कितना है माइनस वन कॉमा जीरो, ऐसा चला जाएगा, ठीक है, ऐसा मान लो कर्व, ऐसा मान लो, चलो। अब ये वाई इक्वल टू थ्री एक्स बाई टू की लाइन है, कुछ इस तरह की होगी लाइन, ये वाई इक्वल टू टू एक्स की लाइन है, नीचे से जा रही होगी, इस तरह की कुछ लाइन होगी। अब आपको अगले क्वेश्चन में इनके एरिया पूछे हैं, वो भी हम बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं, बट एरिया की वजह से मैंने आपसे बोला कि इसको बाद में कर लो, बाकी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया को माइनस कर दो।
ऊपर वाले कर्व का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 2.3 है ना, इसका क्या है -1. तो बस सिंपल, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं एरिया निकालना होता तो मैं ऐसे निकालता, सबसे पहले निकालता क्या 0 से 2 में किसको, लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो लाइन ये है कितनी 3x/2 माइनस, बोलो हाँ ये वाला पैराबोला, ये एक पार्ट हो गया, ऐसे इस वाले पार्ट का एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे बोलो, प्लस करना है, अब फिर वही काम करना है, फिर वही काम करना है, हाँ तो अब कहाँ से 0 से मतलब -1 से 0 लॉजिकली कितना, पहले लाइन ले लो 2x माइनस, बोलो डन, पर अब इस ओवरऑल कैलकुलेशन में हमें टाइम लगना ही है, तो हमारे मैंने अभी क्यों बताया, देखो मैं अभी आपको एनालिसिस दे रहा हूँ तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर आपने ये क्वेश्चन किया, अभी मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी टाइम लग रहा है, तो ऐसे में हमारे सिंपल क्वेश्चन ना छूट जाएं, इस एक क्वेश्चन से अगर हमारे 4 सिंपल क्वेश्चन छूट रहे हैं तो हम 3 क्वेश्चन का लॉस कर रहे हैं, तो हमें मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर रखना है टाइम का। अब आप इसको कर लोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं, जैसे अब मैं इसको करूंगा तो बोलो क्या जाएगा 3x2/4 -x3/3 +x, यस और नो, ये 0 to 2। अब मैं इसको करूं तो बोलो क्या आएगा x2, ये पूरा प्लस हो गया होगा, x3/3 +x, बोलो 0 to -1। अब अगर मैं बोलूं 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से 4 तो 3 -8/3 +2, 0 से तो 0 हो जाएगा। अब आपने रखा प्लस, अब पहले 0 रखा तो पूरा 0, फिर बोलो -1 रखा तो बोलो कितना 1 -- +1/3 -1, क्यों बेटा, हाँ अच्छा सॉरी -1/3 यस ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि ये कितना हो गया 5, तो 15 - 8 7/3 प्लस, अब इसमें से 1 से 1 कैंसिल तो -1/3, पर ये -- प्लस हो गया, ये माइनस भी आया इसलिए क्योंकि नीचे, तो कितना +1/3 तो कितना आ गया 8/3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 8/3, बट इसमें टाइम लग गया या उलझ सकते थे। तो हमें पेपर के समय ये बात पे बहुत फोकस रखना है कि हम उन क्वेश्चन को भले ही आते हों, मतलब ये आता नहीं ऐसा नहीं, पढ़ा भी आपने, फिर भी हम इन क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, पहले क्योंकि टाइम लिमिटेड है, अगर लिमिटेड टाइम में हम ऐसे क्वेश्चन कर गए तो हम कहीं सिंपल क्वेश्चन का नुकसान ना कर बैठें, ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। यही हमने पढ़ाई में पूरे समय साल ध्यान रखा है कि जो आपको पढ़ाया है कि तब क्वेश्चन नहीं करना है, ये बाद में जाके करना है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 रिलेटेड है, डिपेंड करता है, क्वेश्चन टफ नहीं है और इस क्वेश्चन को आप पहले राउंड में भी कर सकते थे, दूसरे राउंड में भी, डिपेंड्स ऑन, पर आप समझ लीजिए क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोला है एफएक्स इक्वल टू, समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एफएक्स इक्वल टू 27 x^2/3 -x/4। अब आपसे बोला गया हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द फंक्शन एफएक्स इक्वल टू 1 पहला, और दूसरे क्वेश्चन में है कि एफएक्स इक्वल टू -1 हो तो कितने सॉल्यूशन होंगे। अब समझिए लॉजिकली क्वेश्चन को, ये देखिए इस तरह के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप भी किए हैं। अब x के प्लेस पर अब एफएक्स 1 जब लेते हैं तो देखिए 27 इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x^1/3 समझाने के लिए लिख रहा हूँ का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ x, इसको ऐसा भी लिख सकते हो x^1/3 को हम बाद में t मान लेंगे -x/4 राइट, और x^1/3 को अगर मैं t मान लूँ तो एक तरह से x इक्वल टू हो गया t³ राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू, बल्कि ऐसा भी लिख सकते हो 4/27 इक्वल टू t² -t³ राइट, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4/27 t² कॉमन तो 1 - t। अब देखिए टेक्निक समझिएगा, ये 27 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 2/3 और 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी देखो t और 1 - t, तो अगर t को 2/3 ले लिया 2/3 तो ये देखिए 1 - तो एक वैल्यू अगर t की 2/3 यानी 1 सॉल्यूशन हुआ। अब आप यहाँ पर रख भी देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपसे वैल्यू ऑफ x नहीं पूछी,
बल्कि सॉल्यूशन ऑफ टी पूछा है, तो एक्स इक्वल टू हो गया 8/27, बट इसकी जरूरत नहीं है। अब जब यहां पर आएंगे हम, अब जब यहां पर आएंगे दूसरे में माइनस वन लेंगे, तो यही सब कुछ यही करना, अलग से सॉल्व मत करने लगना, बस यहां पर आपको माइनस लिखना, तो माइनस 2/3, 2/3, 1/3। अब ये पॉसिबल नहीं है, इस कंसेप्ट को देखें तो इसका मतलब इसमें नो सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट केस का आंसर होगा वन सॉल्यूशन और सेकंड केस का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने आपको जो ट्रिक्स के साथ पढ़ाया हुआ है, अगर उस ट्रिक्स से आप करोगे तो क्वेश्चन बिना इंटीग्रल के मेंटली सॉल्व होगा, ये बिल्कुल श्योर हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने किस ढंग से बेसिक बनाया है, फाउंडेशन किस ढंग से पढ़ा है, इस पर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स इंटू जी एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x, ओके, वेयर दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर। टू क्वेश्चन रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर वन है 1/3 to 1/2 जी एक्स पूछा है, और क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है 1/3 to 1 एफ एक्स, ठीक है, राइट। अब पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझें, तो जो टेक्निक आपको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताई थी कि मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता है 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स, तो आपको ये पता है कि 2 से 3 में इसका नेचर मिलता 2 और अपर माइनस लोअर इसका आंसर आ जाता 2। अब यहाँ पर देखें तो एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन है, ये 1/3 to 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x, यहाँ पे 1/x होने से एक तरह से इसका रेसिप्रोकल है, आप जब 1/3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 1/2 रखेंगे तो 2, तो अगर हम रियल लाइन पे देखें तो 1/3 to 1/2 में नेचर कितना होगा, नेचर होगा, अब देखो 3 और 2 में 2 मिलेगा आपको, ऑब्वियसली 2 मिलेगा। अब समझना, अगर कन्फ्यूजन हो तो ये 0.33 है, ये 0.5 है, तो आप ऐसा सोचो कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपने 0.4 रखा, 0.4 रखा मतलब 4/10 यानी 2/5, तो एक तरह से क्या रखा आपने, 5/2, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, जो मैं आपको देखते ही बता रहा हूँ, बस ये क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन है 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बस यहाँ पर 2 का भी रेसिप्रोकल 3 का भी करा तो इसका भी कर दिया। अब 1/3 छोटा होता है कंपेयर टू 1/2, सॉल्यूशन का तरीका क्या बताया था मैंने, रिजल्ट इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देन 2 into ये हो जाएगा 3 1/6 देन फाइनल इज 1/3, तो आंसर क्या आ गया 1/3, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर प्रॉपर टेक्निक से डेफिनेट इंटीग्रल को जो मैंने आपको तरीके बताया, अगर आप उस ढंग से करोगे देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जरा इधर आओ आप, ये जब आप करोगे 1/3 to 1 तो यहां पर x के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x रखेंगे। अब देखिए सिंपल लॉजिक है कि इसको इंटीजर कौन कौन देगा, एक देगा 1/3, एक देगा 1/2 और एक देगा 1/1। याद हो आपको मैंने स्क्वायर में भी टेक्निक्स बताई थी, स्क्वायर रूट में भी, ये 1/x है तो 1/x के लिए इंटीजर रेसिप्रोकल देगा, 1/3 to 1/2 में नेचर कितना मिलेगा इसका 2 और 1/2 to 1 में कितना मिलेगा 1। अब यहाँ पर x भी है, इस x से थोड़ा सा याद रखिएगा क्या चेंज होगा वो ध्यान रखिएगा, इस x से जो बेसिकली चेंज होगा वो ये होगा, अब आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर x भी था तो 1/3 to 1/2 x इंटू 2 भी आएगा और यहाँ पर आएगा 1/2 to 1 x, क्योंकि नेचर 1 है। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्टली लिखिए x स्क्वायर 1/2 to 1/3 प्लस x स्क्वायर बाय 2, 2 बाहर लिख दीजिए एंड दिस इज 1 to 1/2 एंड केयरफुली करिए 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/2 के बाद 1 माइनस 1/4, देखिए ये 9 - 4 5/36 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 into 3/4 राइट। अब ये आप इसका एक तरह से एलसीएम ले लीजिए चाहे तो। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अब मैं आपको बोलूंगा अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कमांड है देन अटेंड, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको कुछ बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ जिसमें टाइम कंज्यूम होगा, पर वो क्वेश्चन करवाने का पर्पज है कि समझना है कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं, यानी ये डिसीजन आना चाहिए आपको लेना। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3672, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 927। अब इसको ऐड कर दीजिए, 43/72 इज अ, सॉरी 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 सॉरी, ये 10 आया ना, 10, तो 37/72, 37/72 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रिलेटेड है, पर उस क्वेश्चन को पढ़ूं तो मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर है, एक डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, मैक्सिमम मिनिमम पे, टाइम लग सकता है, बिल्कुल लास्ट में आइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा और इजीली कर भी पाएंगे उसको, अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग में रखिए। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, जो जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 27-28। फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स y इक्वल टू, देखिए वो क्वेश्चन हम बिल्कुल कर सकते थे, बट मैं फिर बोलूंगा कि हमारा एम ये होना चाहिए कि पहले हम कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम, y इक्वल टू 6x एंड y इक्वल टू 9। फर्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। दूसरा इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है। अब एक लिंक क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर देखें तो ये दोनों लाइनें ओरिजिन से जा रही हैं, ये 3x की लाइन है, ये 6x की लाइन है, ये ओरिजिन है और ये लाइन हो गई y इक्वल टू x वाली, इस तरह से जाएगी वो कट करते हुए, पर अभी आपको रफ डायग्राम से मतलब है, बाकी लॉजिकली देखें तो कुछ ऐसा है लाइक दिस, और ये y इक्वल टू 9 की लाइन हो गई। तो ये ओरिजिन हो गया, ये y इक्वल टू 3x हो गया, ये y इक्वल टू 6x हो गया, y की वैल्यू 9 रख दी तो x की वैल्यू आ गई 3, तो 3 9, y की वैल्यू 9 रख दी तो x की वैल्यू आ गई 3/2, 9। बस अब पहला क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ दिस इंटू दिस, तो 9/2 - 81, सॉरी सॉरी 3/2 × 9 अपोजिट होता है, तो 27/2 - 27 यानी 27/4, राइट। अब नेगेटिव होता नहीं इसलिए छोड़ देंगे, और दूसरा पूछा सेंटर एड ऑफ ट्राइंगल, तो 9 और 9 18 18 का हो गया 6 और ये हो गया 3 + 3/2 / 3, 6 9/2 × 3 ये कैंसिल, तो 3/2 ये आ गया सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, राइट। तो ये देखते हुए चलिए कि टफ क्वेश्चंस पहले ना लें, पहले हम ये करें कि जो पेपर में सिंपल मैनेजेबल क्वेश्चन है उनको करें। जैसे मैं श्योर हूँ कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनके क्वेश्चन इजी, अभी तक हम उन पर पहुंचे नहीं है, तो अगर हम इन्हीं क्वेश्चन में उलझ गए तो ऐसा ना हो कि सिंपल क्वेश्चन से हम दूर हो जाएं। तो अभी जो मैं आपके साथ सॉल्यूशन बता रहा हूं उसका मेन पर्पज ये है कि हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, इसका मेन पर्पज है कि एग्जाम में कैसे हम अपने स्कोर्स को अच्छा कर सकते हैं, ये एक मेन पर्पज है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड बेस्ड है, क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन एंड मॉड x इक्वल टू 2। क्वेश्चन इसमें टू क्वेश्चन रिलेटेड है, देखिए अब फिर वही बात आ गई, y इक्वल टू, तो आप इसको वैसे ही ओपन करेंगे x माइनस वन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 1। जब आप इसमें माइनस वन से छोटा लेंगे तो एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, देखिए मॉड के अंदर जब निगेटिव रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x लेस देन जब 1 रहेंगे, सपोज आपने 0.5 रखा, तो 0.5 रखने पर आपको 0.5 ही रिजल्ट मिलना चाहिए, तो कैसे हो सकता है ये, तो ये हो जाएगा 1 - x, राइट। अब 1 - x, अच्छा यहां पर आएंगे तो ये तो सीधा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। सबसे पहले आपसे इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है जब x की वैल्यू 2 है
तो y की वैल्यू कितनी है वो देख लो, यहाँ पर 2 के लिए यहाँ रखेंगे 2 1, तो 2, 1, और x की वैल्यू जब, तो 2 1 दिया हुआ है, अच्छा जब x की वैल्यू -2 है तो यहाँ रखोगे, तो -2 यहाँ रखो तो 3, तो y की वैल्यू मिलेगी 3, तो इसका मतलब -2, 3 एंड 2, 1 आना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन सी में दिया है, तो सी इज अ राइट आंसर, राइट। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में एरिया पूछा, फिर टाइम लग सकता था कि इसका जब कर्व बनाएंगे तो ये ग्रेटर देन वन पे बनेगा ऐसा ही, और जब इसका बनाएंगे तो ये लेस देन वन के लिए बनेगा, और वैसे ही आपको लाइन भी लेनी पड़ेगी उससे ये एरिया निकलेगा। तो अगर हम समझें तो सबसे पहले मैं अगर इस कर्व के लिए आपको बोलूं बनाओ, ठीक x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा 0, और फिर आप वैल्यू बढ़ाते जाओ तो आपको इस तरह की एक लाइन मिल जाएगी, ऐसी एक्चुअल में y का इंटरसेप्ट ऐसा है, इस तरह की एक लाइन मिलेगी और ये x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब आप समझिए कि ये लाइन हो गई कितनी 1 0, ये लाइन हो गई 2 0, राइट। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि x की वैल्यू 2 रख दोगे तो y की वैल्यू मिल गई 1, तो 2 1, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 1, तो अगर मैं देखूं तो इस पार्ट का एरिया आ गया 1 × 1 यानी 1/2, राइट। इस पार्ट का एरिया आ गया 1/2। अब सिमिलरली लेस देन 1 के लिए ये वाला कर्व होगा, अब इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है देखिए, ये -2, 3 है। अब जब आप इस कर्व की लाइन को बनाएंगे तो समझिए एक्स की वैल्यू लेस देन 1 लेनी है, तो लेस देन 1 मतलब अगर सपोज एक्स की वैल्यू आप 0 लेते, एक्स की वैल्यू सपोज 0 लेते तो वाई कितना मिलता, वाई मिलता 1, तो एक्स की वैल्यू 0 लेने पे मिलता वाई 1। अब एक्स की वैल्यू 0 के बाद सपोज मैं लेता -2 तो वाई कितना मिलता 3। तो इस तरह से आप समझिए कि यहां पर कर्व को इधर वाली तरफ जाना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है -2, 3। अब x इक्वल टू 2 की लाइन ये हो गई -2 की, राइट, और ये इस तरह की एक लाइन हो गई, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो इस तरह की एक लाइन हो गई ऐसी। अब आपको ये वाला एरिया बताना है, राइट। तो ये एरिया कैसे बताओगे, 0 से -2 में लाइन को इंटीग्रेट कर दो, तो 0 सॉरी -2 से 0 में जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा किसको, 1 - x को, तो देखिए क्या आएगा, x - x² / 2, पहला 0 फिर -2, 0 रखने पे 0 मिला, यहाँ माइनस ले लीजिए, अब -2 रखा तो ये -2 - 4/2, राइट, ये भी 2 हो गया, तो ये कितना मिल गया +4, ये +4 मिल गया आपको, और ये कितना आ गया था हमारा एरिया, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूँ मैं, ये 2 में से 2 गया तो कितना, ये 4 प्लस ऑफ 1/2, 4 + 1 तो नहीं आ रहा, इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं हम, ये इस पॉइंट पे आया 1, इस पॉइंट पे आया 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 2, 1, तो ये लेंथ है कितनी 1, ये लेंथ भी कितनी है 1, तो इसका एरिया हाफ आया था, अच्छा इसका एरिया अब देखो इसमें हमने क्या करा, अब देखो मिस्टेक भी समझ में आ गई, कभी भी मिस्टेक हो जाए कि आपने यहां से यहां तक लिया, एक्चुअल में मुझे यहां तक लेना था क्योंकि लेस देन 1 था, तो आपको -2 से लॉजिकली 1 तक ही लेना था, अगर 1 तक लेते तो दिक्कत नहीं होती, तो अब ये -2 से 1 तक कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 रखा तो कितना आ जाएगा 1 - 1/2, अब -2 रखो तो -2 और -2 ही मिलेगा, अब देखो कितना आ जाएगा, ये आया 1/2 + 4, दिस इज 8 + 1 9/2, और वो 1/2 है, नेट आंसर इज 5। ध्यान रखिएगा ये यहाँ तक जाएगा एरिया, क्योंकि कर्व ऐसा बना है, पर जब भी एरिया का क्वेश्चन आए, ये 1 पर टर्च है, ये 1 पर, ये -2 है, ये +2 है, तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट पूरा ये है, इस तरह से आपने इसका एरिया फाइंड आउट किया, राइट। पर देखिए एरिया में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैं आपको ये बस एक ही चीज का मैसेज बार बार दूंगा कि जिन क्वेश्चन में
टाइम लग रहा है उनको, अगर आप पहले राउंड में करेंगे तो आप पूरे 120 तक रीच नहीं कर पाएंगे, और 120 तक रीच नहीं करने का लॉस ये होगा कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपसे हो सकता ना कर पाओ। अब जितनी देर में मैंने ये क्वेश्चन किया हो सकता है उतनी देर में मैं 4 क्वेश्चन कर लेता। ये एक कीवर्ड है जिस पर आपको पूरे पेपर के समय ध्यान रखना है, राइट। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझे हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। 34-35 है, 2 क्वेश्चन रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला। अब देखो आप ये पेपर में क्या प्रॉब्लम थी, पेपर में बस थोड़ा सा लेंथी था, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पेपर आप इजीली मैनेज कर सकते थे। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6-1 0 P² P³। आपसे क्या क्या पूछा है सुनिए, वेयर P इज कॉन्स्टेंट। नंबर 1 पूछा है F-0, एक चीज। नंबर 2 पूछा है F"₀ इक्वल टू 0 हो तो देन वैल्यू ऑफ P। आप समझिए ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमने पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में जो वेरिएबल होती है उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो ही वेरिएबल है, इसी का होगा। ट्राई करिएगा स्टेप्स, देखिए पहला आपने जैसे ही लिखा तो 3x² cos x - sin x, यहाँ आया 6-1 0 P² and P³। अब आपसे F-0 पूछा है, यानी x के प्लेस पे 0 रखना है। जब आप x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 0 ये भी 0, केवल ये बचेगा। और इसके साथ अगर मैं cos 0 1 होता है, इसके साथ अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 6P³। ये मेंटली सॉल्व हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 6P³। अब आप हो सकता है कहाँ पे टाइम खर्च करो, सबसे पहले आपने यहाँ 0 रखा, जहाँ टाइम सेव होता है करिए। देखिए 0 cos 0 1 sin 0 0, फिर 6-1 0 P² P³। देन इस 1 के लिए जब सॉल्व करोगे तो देखिए ये 0 हो गया तो 6P³, पर ये टाइम बचाना है। अब जब इसके सेकेंड डेरीवेटिव को 0 से इक्वेट करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब F"x क्या आएगा, ऑब्वियसली 6x - sin x - cos x, ये सब वैसे ही रहेगा। अब देखिए आपसे वैल्यू ऑफ P पूछिए और x की वैल्यू 0 दी, तो x की 0 रख दिया तो ये 0, तो आप बताइए क्या होगा, ये 0 ये 0, केवल ये -1 मिलेगा। और इसके साथ जब सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, 6P² + P (-1), राइट। अब इसको आप 0 से जब इक्वेट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, तो 6P² + P = 0, देन P = 0 और P = -1/6, ये P की दो वैल्यू आ गई। इनफैक्ट ऑप्शन भी इसी तरीके का दिया है, राइट। क्या करा, यहाँ पर देखिए -1 था, इसके साथ ही सॉल्व करना, बाकी सब तो 0 होगा। स्टेप्स को यहाँ पर भी बचाने की कोशिश की मैंने, तो 0 0 -1 6-1 0 P² and PQ। अब इस -1 के लिए किया तो देखिए क्या हुआ, 6P² + P, दिस शुड बी 0, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 36-37 देखते हैं, 2 क्वेश्चन रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चंस में आप अभी तक देखो मैंने केवल 5-6 क्वेश्चन छोड़े हैं, लाइन से सब कर रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने के लिए लेंथी ले लिए, अगर नहीं लेते तो हम अभी तक और ज़्यादा अटेम्प्ट पे पहुँच गए होते। अब देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन देखें तो बोला है 36-37, क्या बोला है सुनिए, cos A + cos B + cos C √3 × sin π/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे पहला क्वेश्चन बोला है 36 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A/2 sin B/2 and sin C/2। अब देखिए ये रूट है 3 और ये π/3 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब एक तरह से 3/2 मिला। अब ये 3/2 मिला, यानी अगर ये तीनों ही 1/2 होते तो मिल जाता, राइट। तो इसका मतलब A=B=C=, अगर मैं 60 ले लूँ, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्वेश्चन इजीली क्रैक हो गया। तो
तो साइन 31/2, साइन 31/2, साइन 31/2, देन 1/8 इज अ राइट आंसर। ये टेक्निक है, इसको मेथड से करोगे टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बोला है 37 में, सुनिए क्या 37 में बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय टू। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसका भी आंसर वही रहेगा 1/8। वाई? बिकॉज 60 प्लस 60, 120/2, यानी 60 cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2, दिस इज 1/8। क्वेश्चन टेक्निक्स को समझिए। अब देखिए, पीछे मैंने दो तीन क्वेश्चन जो लंबे किए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ या एरिया, यहां पर हमारा टाइम बढ़ रहा। अगर हम इन क्वेश्चन को कर रहे होते तो हमारे अटेम्प्ट बढ़ गए होते। तो हमें अटेम्प्ट बढ़ाने पे फोकस करना है, ना कि टफ क्वेश्चन पे फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखते हुए चलिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अगर आपने नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं अपना बहुत लॉस कर देंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ट्रिक्स हैं, बहुत कंपर्स ट्रिक्स, सभी अप्लाई करना जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38-39, दिस इज ऑल्सो लिंक फॉर टू क्वेश्चन। गिवन दैट टेन अल्फा एंड टेन बीटा, क्वेश्चन सिंपल है, टेन अल्फा एंड टेन बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज टेन अल्फा प्लस बीटा, पहला तो ये पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू सेक अल्फा सेक बीटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करेंगे समझिएगा जरा, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताता हूं कि आप इसको कैसे सिंगल सिंपल तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले आप समझिए, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आपको गिवन है माइनस बी, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा गिवन है सी। ये स्टेप लिखनी नहीं है, समझाने के लिए बताएं। आपसे जैसे पूछा है कि टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस बी अपॉन वन माइनस सी, या माइनस बी इंटू वन माइनस सी की पावर माइनस वन, या बी इंटू सी माइनस वन की पावर माइनस वन, बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर दिया है। ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा, समझिए, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू सेक अल्फा सेक बीटा पूछा है। आप लॉजिकली बताइए आपसे क्या पूछा है, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लूँ तो ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है एंड दिस इज माइनस बी। देखिए कितनी सिंगल स्टेप में क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अब क्या होता है, कई बार हम उलझ जाते हैं, हम सोचते हैं यहाँ पर जाके कैसे टेन करेंगे। दूसरा, ये स्टेप अगर आप लिखते हो तो देखो कैसे टाइम आपका लॉस होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर सेपरेट डिवाइड किया, देखिए ये कैंसिल तो टेन, ये कैंसिल तो ये सॉरी कॉस अल्फा कैंसिल तो ये टेन। ऐसे यहाँ पर मैंने एक आपको स्टेप लिखने से बचाया कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है कि हम यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं या यहाँ पर हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए 40 एंड 41, ये सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट में सर्कल को मैंने आपको एक सिंगल फॉर्मूले से जो कंसेप्ट बनवाए आप उसी से करिएगा क्वेश्चन, कोई नई टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। कई सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम इन पेपर्स का बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, 40 एंड 41, समझते हैं। 40 है, पहले तो क्वेश्चन समझे, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टेंट पॉइंट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर सर्कल इंटरसेक्ट करें तो क्या, और एक है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो 40 क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इस तरह के, 5 यूनिट 6 यूनिट 8, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है, आर इक्वल टू 1, 1 टू 2 एंड आर इक्वल टू 2, 2 टू 8, राइट, इस तरह के ऑप्शन है। अब समझें, अगर हम सर्कल 1 को देखें तो सर्कल 1 का जो सेंटर है वो है 1, 3 और रेडियस है आर। सर्कल 2 जो है इसका सेंटर है 4-1 और रेडियस है 16+1, 17 -8, 9 यानी 3।
अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर वन सेंटर टू का डिफरेंस कितना है, तो 9 + 16 यानी 5 इज द राइट आंसर। अब सपोज ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर क्लोज आ जाते हैं, तो इसका मतलब C1 C2 क्लोज आ गए, तो ये 5 से कुछ कम हो गया। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो उससे ज़्यादा इससे कम मिलना चाहिए, तो R+3 बोला, तो 3 तो यही है, तो R प्लस मतलब ऐसा लॉजिक हुआ ना, C1 C2 इज लेस देन R1+R2 एंड लेस देन R1-R2। तो इसका मतलब हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि 3+ something यानी ये आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, राइट कि R की वैल्यू 2 से अगर 8 के बीच में होगी तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, R की वैल्यू 2 ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, 2 से बड़ी ले लो कोई भी, तो आपको क्रॉस चेक हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए 42 और 43, मैंने आपसे बोला कोऑर्डिनेट काफ़ी इजी आती है, इनको बिल्कुल ना छोड़ें, इनफैक्ट पहले राउंड में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब देखें हम 42 और 43, तो क्या क्वेश्चन है। 42-43 में बोला है, 42 में बोला है, पहले देखें, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन, टू लाइंस दी हुई हैं, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये पैरेलल लाइन क्या क्या दी है, देखिए x + y + 1 = व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये टू लाइंस दी है। सेकंड है 3x + 2y + 1 = 0। ये टू क्वेश्चन रिलेटेड है, इसमें 42-43 पहले राउंड में ही करिएगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, मेंटली कर सकते हो, 1 - 2 y के साथ क्या 3 - 1, 1 के साथ क्या 2 - 3, यानी x / -1, y / 2 और 1 - 1। x है 1 और y है -2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 1 - 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए क्या, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन बात कर रहे हैं, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हमेशा देखिए y कांस्टेंट होता है, तो y = -2 या y + 2 = 0। इसी क्वेश्चन में बोला है पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ये लाइन हो गई, तो x = 1, राइट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पहले ही राउंड में करते तो ज्यादा अच्छा होता। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है 44 और 45। याद रखिएगा पेपर पूरे 120 तक रीच करना है। अब 44-45 देखिए क्या है, k sin x + cos 2x = 2k - 7 पूछा है। इफ द इक्वेशन सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को बाद में कर सकते हैं, बाकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। करना यह है कि ये k sin x है, पूरी इक्वेशन को एक जैसा बना लो, 1 - 2 sin² x = 2k - 7, राइट। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं 2 sin² x - k sin x, इस सबको इधर ले गए, +2k - 6 = 0। अब आपको एक तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी, तो इस इक्वेशन को इसके फैक्टर बनाने के लिए k की प्रॉब्लम आएगी, तो k कैसे लाएंगे ये देखना पड़ेगा आपको। तो आप फॉर्मूले मेथड से कर लो, अदरवाइज इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 4k - 12। अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 4k - 12। इस k को इस ढंग से ब्रेक करो कि 4k - 12 आ जाए, तो और 2 sin x भी है और 2 भी है, तो अगर मैं ले लूँ 3k, फार्मूले से कर लो अगर कहीं उलझ रहे हो, तो sin x = क्या हो जाएगा, साइन x के लिए कर रहे हो तो k + - b² यानी k² - 4 (2)(2k - 6) ये फाइनल मिल गया। तो जरा इसको देख लें, अपॉन 2 (2)(4), k स्क्वायर
माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 16 के प्लस 48 राइट, यानी के माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, साइन एक्स इक्वल टू के प्लस माइनस के माइनस 8 बाय 4 राइट, यानी एक तरह से अगर हम देखें तो प्लस साइन लेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू आ गया 2k माइनस 8 अपॉन 4, माइनस पे तो k खत्म हो जाएगा, यानी साइन एक्स इक्वल टू आ गया k माइनस 4 अपॉन 2। आप डिवाइड कर दिया, यस। अब मैक्सिमम मिनिमम बताना है आपको, तो मैक्सिमम मिनिमम आपको पता है माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में होगा साइन एक्स का वैल्यू, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है माइनस 1 के लिए अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 रखिए, देखिए 2 माइनस 4 अपॉन 2 ये माइनस 1 मिल गया, और उसके लिए रख दीजिए 6 माइनस 4 2, तो माइनस मिनिमम वैल्यू होगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 6 राइट। तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे करते हैं, पर ये क्वेश्चन में इक्वेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता था, आप डिपेंड करता आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को पहले राउंड में बिल्कुल ले सकते थे, अदरवाइज बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल एंड तक जाना है। अब आपके हाथ में कौन सा सेट लगता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें हम 46 एंड 47 लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन से क्या है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स। पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, जो 46 है और 47 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब देखिए 0 पॉजिटिव पे याद रखिएगा, एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 0 मिलेगा, और 0 नेगेटिव पर माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ 0 माइनस एच लिखते हैं और यहाँ 0 प्लस एच लिखते हैं, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है याद रखिएगा। तो 0 प्लस पे जब हम आएंगे तो ये मिलेगा ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 0 एक्स, दिस इज लॉग ए, डायरेक्टली फार्मूला हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ गया लॉग ए या ln a, ये हो गया। अब जब हम इस पे नेक्स्ट पे आएंगे तो माइनस 1 मिलेगा, तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स राइट। अब कंफ्यूजन है, ये भी वैसे फॉर्मूला है तो आप इसको हॉस्पिटल से कर दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ए पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, एक्चुअल में ये ऐसा है, कंफ्यूजन कहीं हो टेकिंग हॉस्पिटल रूल, देखिए एक्स की जगह 0 रख देंगे आप, 0 नेगेटिव रखना है आपको, ये ध्यान रखना 0 माइनस एच रखते हैं हम जब, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डायरेक्टली या एच के प्लेस पर 0 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जो रखा आपने, तो ये मिलेगा देखिए कितना 0 रख दिया तो ए की पावर माइनस 1 राइट, पर ये माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ 0 रख दिया तो ये माइनस 1, यानी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन माइनस 1, या ऐसा भी बोल सकते हैं ये माइनस कैंसिल कर दो तो 1 माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन ए अपॉन 1, यानी 1 माइनस ए पावर माइनस 1, दिस इज द राइट आंसर राइट। इसमें क्योंकि इस लिमिट के बाद डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे क्योंकि एल हॉस्पिटल फॉर्म है ही नहीं, आप अगर यहाँ पर ध्यान रखना जब आप ये लिखते हो तो एक्चुअल में 0 माइनस एच लिख रहे होते हो, तो प्रैक्टिकली ऐसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप 0 माइनस एच, तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, ए की पावर 0 माइनस एच यहाँ पर भी रखोगे तो ये माइनस एच माइनस 1 अपॉन, आप ऐसे समझ लो 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच। अब देखिए ये मिला माइनस 1 तो ए पावर माइनस 1 माइनस एच, ठीक है माइनस 1 अपॉन, ये मिल गया माइनस 1 ये मिल गया माइनस एच, एच के प्लेस पे आपने सब जगह 0 रख दिया तो देखिए वही रिजल्ट मिला ए पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इसके बाद डायरेक्टली माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए और देखिए मेरा इस पेपर पे बिल्कुल एक क्लियर कंसेप्ट है कि किस तरह से आप 60 क्वेश्चन तक रीच करें, अभी आपको एग्जाम देना है, जब आपके पास पूरा टाइम है। आप जैसे नवंबर वाले बच्चों को जो यहाँ पे आ चुके हैं उनको भी और जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़ रहे हैं उनको एक ही बात बोल रहा हूँ, आप 100% प्रिपरेशन करो, हर चीज़ कवर करते चलो। पर अब आप में से कई लोग हैं जिनका 100% सिलेबस हो गया होगा,
डेफिनेटली आप लोग 100 प्लस कर सकते हो, पर अगर आप में से किसी का सिलेबस बच गया है, क्योंकि अभी अभी 12th के एग्जाम हुए, 11th के कुछ टॉपिक छूट गए, घबराने की जरूरत नहीं, जो आता है पहले उस पर अच्छे से वर्क करो। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर दो क्वेश्चन रिलेटेड है 50 एंड 51। क्या क्वेश्चन है समझिए, गिवन दैट लॉग बेस एक्स वाई, लॉग बेस जेड एक्स, लॉग बेस वाई जेड आर इन जी पी, एक्स वाई जेड 64, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आर इन ए पी। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये बोला है आर इन जी पी, एक ये कंडीशन दी और ये बोला है ए पी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अब ऐसे में आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बोला है। अब अगर मैं देखूं तो अगर एक्स वाई जेड को मैं 4 ले लूं तो 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है, और यहां पर 4 4 रख दूं तो ए पी हो रहा है, और यहां पर क्योंकि एक्स वाई इक्वल हो जाएंगे तो 1 1 1 1 1 1 भी जी पी में होते हैं, तो बस एक्स वाई जेड को 4 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब 50 क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 50 क्वेश्चन में बोला है इस तरह की कंसेप्ट बनाइए, एपी में मैंने इसी ढंग से पढ़ाया, तो जैसे बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स वाई जेड आर इन, तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड एपी में भी है, इवन जीपी में भी है, और इवन एचपी में भी है क्योंकि 4 4 लिया है, पर ऐसा जीपी वाला ऑप्शन नहीं है, पर ये वाला है इन बोथ एपी एंड जीपी। अब देखिए 51 में क्या बोला है, 51 में बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स आर, फिर वही है एक्स वाई मतलब 16 16 16, देन अगेन इसका आंसर भी एपी एंड जीपी ही होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं 52 एंड 53 क्वेश्चन पे, देखिए 52 क्या है, 52 एंड 53 देखिए क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 8 इक्वल टू 1, मॉड जेड अपॉन जेड माइनस 2 इक्वल टू 3/2, व्हाट इज मॉड जेड, पहला पूछा है व्हाट इज मॉड जेड, ओके, और अगले में बोला जेड माइनस 6 अपॉन जेड प्लस 6। अब इसको हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मॉड जेड पूछा है, ऑप्शन दिए हैं 6 12 18 36, मान लीजिए कि जेड रियल नंबर ही अगर मान लो 6 होता, 6 रखो यहां पर, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 माइनस 2, दिस इज 1, यहां पर 6 रखिए, 6 अपॉन 4, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो दिस वन इज अ राइट आंसर। अब जेड 6 मिल गया तो 6 माइनस 6 कितना 0, आपने बिना उसके कर लिया, अदरवाइज आप इसमें उलझ जाते तो आपका बहुत ज्यादा टाइम किल हो सकता था। यानी क्वेश्चंस सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से क्वेश्चंस को ले रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 54 एंड 55 रिलेटेड क्वेश्चन है, समझिए क्या करना है 54 एंड 55 में, क्या करना है 54 एक कंसेप्ट दिया है कंटिन्यूटी का, अभी मैंने क्विक रिविजन में कंटिन्यूटी करवाया था, उसको जरूर एक बार देख लें, एक्स प्लस पाई फॉर एक्स बिलोंग टू माइनस पाई टू 0, पाई कॉस एक्स एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2, ये दोनों ही क्लोज है, ठीक है, और एक्स माइनस पाई बाई 2, अगर कंटिन्यूटी के कंसेप्ट क्लियर नहीं तो एक बार क्विक रिविजन जरूर देख लें, पाई बाई 2 टू पाई। अब आपसे बोला है कंसिडर द फंक्शन, द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। और अगला क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ, आप बिल्कुल डायरेक्टली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम समझें तो आपको बोला है कि 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो देखिए 0 से कम में ये वाला फंक्शन है, अगर देखो तो यहाँ पाई मिलेगा, यहाँ 0 रख दूँ तो पाई मिलेगा, यानी कंटिन्यूस है, समझिए मैंने क्या बोला, जब आप 0 माइनस एच लेते तो ये फंक्शन लेते, एच की जगह 0 रख देते तो मतलब मिलता ही है पाई माइनस एच, फिर जब ठीक 0 लेते तो ये लेते पाई इंटू कॉस 0 देन पाई, एच की जगह 0 रख दिया, एच की जगह 0 रख दिया पाई पाई, मतलब कंटिन्यूस है। ऐसे ही आप पाई बाई 2 जब लिखते तो यही लिखते पाई इंटू कॉस पाई बाई 2, दिस इज 0, पाई बाई 2 प्लस एच लेते क्या पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल, एच स्क्वायर मिला, एच की जगह 0 रख दो, 0 इक्वल टू 0, कंटिन्यूस भी है। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिबिलिटी की, देखिए कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया, जैसे ही एच के प्लेस पे 0 रखा आपको समझ में आ गया कंटिन्यूस है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, पर जब बात डिफ्रेंशिबिलिटी की जाएगी तो अगर डिफ्रेंशिबिलिटी के लिए देखिए क्या करना होता है, आपको बस इतना सा एक कंसेप्ट याद रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होता है,
राइट क्वेश्चन अलग अलग डिफाइंड है, नहीं तो एक ही बार में कर लेते हम। अब अगर एच के प्लेस पे आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट मेंटली करने की कोशिश करिए, एफ एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, ये माइनस एच होता है अपॉन एच। अब अगर मैं मेंटली रखूँ इसमें तो देखिए पाई माइनस एच माइनस पाई अपॉन माइनस एच वन मिलेगा इस वाले के लिए लेफ्ट में। राइट पे जब आएंगे तो ए प्लस एच, ए प्लस एच के लिए ये वाला फंक्शन होगा, तो एक्चुअल में ऐसा होगा पाई इंटू कॉस, पाई इंटू कॉस जीरो प्लस एच, राइट ऐसा लिखोगे आप, माइनस ऑफ एफ ये माइनस ऑफ पाई हो जाएगा अपॉन एच। अब देखिए क्या हुआ इस केस में, आंसर जीरो मिला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही जब इस वाले पे जाएंगे आप, तो एक बार आप जब लेंगे तो कितना आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच, तो एक बार मिलेगा जीरो। और जब आप एफ पाई बाई टू माइनस एच निकालेंगे तो पाई बाई टू माइनस एच यहां से निकलेगा, मतलब आप ऐसा लिखेंगे पाई इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एच, मतलब एक तरह से पाई इंटू साइन एच। तो जब ये लिखेंगे आप तो पाई साइन एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, तो ये वन मिल जाएगा। तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सिंपल कंसेप्ट याद रखो, जो मैंने आपको बताए थे क्विक रिवीजन क्लास में भी हमने ये किए थे, बहुत ही ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन हैं, इजीली कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है, अगेन टू आइटम्स हैं इससे 56-57 है। अब देखिए अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने पड़े और आप मोर देन 45-50 क्वेश्चन के करीब पहुँच चुके हैं, यानी आपने पीछे तक भी नहीं गए फिर भी आपने टफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्किप किया तो पहुंच गए। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 256 एंड 57 समझिए क्या क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा, और गिवन है अल्फा लेस देन बीटा, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो है एंड सी लेस देन जीरो। मैं आपको इसका टेक्निक भी बताता हूँ, बी ग्रेटर देन जीरो सी लेस देन जीरो, फिर क्वेश्चन। अब देखिए अल्फा लेस देन बीटा बोला है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मान लो 5x ले लें ये माइनस 6 ले लें, तो इसके फैक्टर होगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 6 एक्स इक्वल टू 1। तो बोलिए यहाँ पर अल्फा क्या लेंगे माइनस 6 और बीटा क्या लेंगे 1, क्योंकि गिवन है अल्फा लेस देन बीटा। यही टेक्निक से अब क्वेश्चन को समझें, वैल्यू लेके करेंगे जल्दी होगा। 56 क्वेश्चन में बोला गया है और वैल्यू भी ऐसे लिए कि बी बोला है ग्रेटर देन जीरो सी बोला है लेस देन जीरो, इसलिए बी को पॉजिटिव सी को नेगेटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट पे ही इस तरह का मैं एग्जांपल लेता हूँ, वही लिया मैंने। पहला है बीटा लेस देन माइनस अल्फा स्टेटमेंट वन, और स्टेटमेंट टू है बीटा लेस देन मॉड अल्फा, तो ये करेक्ट है कि नहीं? तो बिल्कुल देखिए बीटा की वैल्यू वन है, लेस देन माइनस माइनस प्लस 6 तो ट्रू। दूसरे पे आए दूसरा भी ट्रू क्योंकि मॉड लग गया, तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर ट्रू। तो 57 का आंसर हुआ सी। अब आते हैं हम 57 पे, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो, राइट अल्फा प्लस अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो, देख लीजिए, देखिए माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6 ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है, दिस इज फॉल्स। दूसरा है अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा स्क्वायर मतलब 36, बीटा और ये बीटा ये माइनस 6 ये ग्रेटर देन जीरो है, दे मीन्स स्टेटमेंट टू करेक्ट स्टेटमेंट वन फॉल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली टू, राइट। यस नेक्स्ट आते हैं, देखिए थ्री आइटम्स रिलेटेड है, यानी थ्री क्वेश्चन रिलेटेड हैं, और क्या क्वेश्चन से समझते हैं। और देखिए ये आपके लिए टफ पेपर आप बोलते हैं, और अभी तक देखिए हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को स्किप नहीं किया और आप इतने क्वेश्चन तक रीच कर गए। क्या है क्वेश्चन समझिए, 58 से 59 और 63 क्वेश्चन है। कंसिडर अ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर ए 1 2 बी 4y एंड सी एक्स कॉमा 6 एंड डी 3.5 टेकन इन ऑर्डर, तो आपसे वैल्यू पूछिए। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है समझिएगा, ये ऐसा है, ये मान लीजिए ए
वन टू बी फोर कॉमा वाई सी एक्स कॉमा सिक्स एंड डी इज 3.5। अब आपको एक्चुअल में एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं कैसे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं बोलूं तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है 4 + 3 7/2 तो 7/2 इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 ये कैंसिल देन एक्स इक्वल टू 6 यानी ये 6 हो गया डायरेक्टली कर ली। वाई का देखें तो 2 + 6 8 8/2 4 इक्वल टू वाई प्लस 5/2 देन वाई इक्वल टू 3 तो वाई की वैल्यू आ गई 3 यानी ये हो गया 4.3। अब पूछा क्या देखिए आप पहला क्वेश्चन है ए सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। फिर समझिए क्या किया आपको चार वर्टेक्स दिए हुए हैं इसमें एक एक्स अननोन है और एक वाई अननोन है और ये बोला है कि पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है। देन अब पैरेललोग्राम जो का डायगोनल जो वो बाइसेक्ट ईच अदर है तो इन दोनों का मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को कंपेयर किया एक्स निकल गया इन दोनों के मिड पॉइंट को कंपेयर किया तो वाई निकल गया। अब आपको बोला ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा डायरेक्टली कर लेंगे 6 - 1 5 + 25 + 4 = 16 माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए आप पहले ही निकाल चुके हैं वो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया था तो 1 + 5 - 3 2 का स्क्वायर यानी 4 5 तो 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 20 + 16 यानी 36। फिर बोला व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल तो सिंपल 7/2, 4 राइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो एरिया पैरेललोग्राम का भी मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया और एक और तरीका हो सकता है कि ट्राइंगल का एरिया निकाल के 2 times कर दें जो आपको कंफर्टेबल लगे 1/2 एक ट्रिक फॉर्मूला आपको जो बताया हुआ था फाउंडेशन कोर्स में x2 - x3 y1 - y2 y2 - y3 यूज कर लीजिए तो 1 - 4 - 3 4 - 6 - 2 2 - 3 - 1 3 - 6 - 3 क्या आ जाएगा बोलो 1/2 9 - 2 यानी 7/2 पर ये एक पार्ट हुआ तो +7/2 एक और तो आंसर इज 7। और देखिए एक 7/2 भी दिया था अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो हो सकता है कि वो 7/2 लगा दे। ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी होगी नोट करो क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए 4 क्वेश्चन रिलेटेड है क्वेश्चन इजी है इसलिए कर रहे हैं पहले पर आप में से कुछ लोगों को अगर फंक्शन पे कंफ्यूजन है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। देखिए ये सब बातें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या देखिए 61 से लेके 64 तक के क्वेश्चन हैं क्या है देखिए लेट एफ सच डैट आर टेंस टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ वन प्लस एक्स एफ डबल डैश टू। जबकि मैंने आपसे बोला था अभी हमने परमुटेशन मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट ये तो क्वेश्चन ही नहीं आए वो क्वेश्चन तो आपको जिस ढंग से पढ़ा है 100% बनेंगे। अब देखिए ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश वन प्लस एक्स एफ डबल डैश टू प्लस एफ ट्रिपल डैश थ्री फॉर एक्स बिलोंग टू आर। अब आपसे पूछा क्या क्या सुन लीजिए एफ वन पूछा है पहला क्वेश्चन है जो 61 है 62 में एफ डैश वन फिर एफ ट्रिपल डैश 10 राइट एफ ट्रिपल डैश 10 हो सकता है एफ डैश वन हो ये भी चेक कर लेंगे और फिर 64 अलग है वो एफ टू इक्वल टू एफ वन माइनस एफ जीरो और ये है एफ डबल डैश 2 - 2 f - 1 = 12 इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब क्या करेंगे इन क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम एक काम ये करते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होगा तो आप बोलते हैं 3x² + 2x (f'1) + f" (2) यस और नो। अगर मैं बोलता एफ डबल डैश एक्स क्या होगा तो आप बोलते हैं 6x + 2 (f'1) केवल f'1। और अगर मैं आपसे सपोज एफ ट्रिपल डैश एक्स पूछ लेता तो आप बोलते केवल 6। इसका मतलब जब आपसे यहां पर पूछा गया है कि एफ 10 क्या होगा इसका मतलब जब आपसे पूछा गया कि एफ 10 क्या होगा
एफ ट्रिपल डैश 10, तो आप एक सेकंड में एक क्वेश्चन तो करिएगा, ये 6 होगा, राइट? अच्छा, यहां पर एक चीज और करते हैं कि अगर मैं एफ डैश डबल 2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे? अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, 2, तो एफ डबल डैश 2 इक्वल टू क्या हुआ, 6 × 2 12 प्लस 2 एफ डैश 1, राइट? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें एफ डैश एक्स में एक्स की जगह 1 रख दो, तो बताओ क्या आएगा? एफ 1 निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। इसका मतलब ये इधर आ गया, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखिए ये आ गया ना आपके पास, एफ डैश 2 की वैल्यू रख सकते हैं एफ डैश 10 के टर्म में, तो एफ डैश 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस 12 प्लस 2 एफ डैश 1। इसका मतलब ये दोनों ऐड हो गए, 4 ये सबट्रैक्ट हो गया, तो माइनस ऑफ 3 एफ डैश 1 इक्वल टू 15, देन एफ डैश 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 5। एफ डैश 1 माइनस 5 ही दिया है, एफ डैश 1 माइनस 5 यहां रख दीजिए तो एफ डबल डैश 2 भी मिल जाएगा, माइनस 5 रखा तो ये हो गया 10, तो 2 पूछा नहीं है, पर अच्छा यहां जरूरत पड़ेगी, एफ डबल डैश 2 2 हो गया। तो अब आपसे क्या क्या पूछा है वो देख लीजिए। अब आपसे जैसे एफ 1 पूछा है, तो यहां पे 1 रखिए, तो एक्स 1 प्लस एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, ठीक है? अब आप बताइए कितना आ गया, 1, एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, एफ डबल डैश 2 की कितनी है, 2, ये 2 हो गई, और एफ ट्रिपल डैश में तो कुछ भी रख दो वही मिलेगा 6। देखिए 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 माइनस 5 यानी 4, यानी एफ 1 आ गया 4, एफ डैश 1 आ गया माइनस 5, एफ ट्रिपल डैश 3 आ गया 6। और अगला क्वेश्चन क्या, देखिए 4 क्वेश्चन रिलेटेड थे, कोई ऐसा नहीं कि आपने टाइम बहुत दिया। एफ 2 इक्वल टू एफ 1 माइनस एफ 0, ठीक है, और एफ डबल डैश 2 माइनस 2 एफ डैश 1 इक्वल टू 12, तो पहले एफ डबल डैश 2 कितना है, 2 माइनस 2, एफ डैश 1 कितना है, माइनस 5, यानी ये 12 है, ये करेक्ट है। अब 1 और चेक कर लेते हैं कैसे, एफ 1 तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, एफ 1 एफ कितना 4, एफ 0 एक्स की अगर 0 रख दो 0 0 0 0, तो ये मिलेगा माइनस 6, मिलना चाहिए माइनस 2। अब एफ 2 और निकालना पड़ेगा जैसे हमने निकाला, तो यहाँ 2 रखिए, 2 रखिए, डायरेक्ट करिएगा क्वेश्चन, 8, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस 5 है तो माइनस 20, एक्स की जगह 2 और एफ डबल डैश 2 कितना है, 2, तो आपने कितना रखा है इसमें, सॉरी 2, तो 2 × 2 4, और एफ 3 कितना है 6, ऐड करिए 10 प्लस 18 माइनस 2, दिस इज माइनस 2, यानी ये भी करेक्ट है, यानी सी इसका आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन।